गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर माया अग्रवाल। आज हम बीमा एजेंट के लाइसेंस का वर्गीकरण पढ़ के बारे में देखेंगे। हम जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि बीमा एजेंट का लाइसेंस क्या होता है, तो बीमा एजेंट का लाइसेंस के बारे में हमने जान लिया। एक प्रमाण पत्र है जो बीमा एजेंट को जारी किया जाता है। अब बात आती है कि बीमा एजेंट लाइसेंस किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं या बीमा एजेंट लाइसेंस कितने प्रकार का हो सकता है। तो इसके लिए हम देखेंगे कि बीमा एजेंट के लाइसेंस को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला आधार तो हम लेंगे व्यक्तियों के आधार पर, दूसरा है व्यवसाय के आधार पर। व्यक्तियों के आधार पर जब हम वर्गीकरण करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें नंबर वन हम लेंगे एकांकी बीमा एजेंट लाइसेंस। एकांकी बीमा एजेंट लाइसेंस ऐसा लाइसेंस होगा जो किसी व्यक्ति विशेष को बीमा कार्य करने के लिए दिया जाएगा। और ऐसा लाइसेंस प्राप्त करने वाला एजेंट बीमाकर्ता की ओर से हमें बीमा व्यवसाय का आग्रह कर बीमा व्यवसाय प्राप्त कर सकता है। इसे हम एकांकी बीमा एजेंट लाइसेंस कहते हैं। जबकि दूसरा जो हमारा है निगमीय बीमा एजेंट लाइसेंस। जो बीमा एजेंट लाइसेंस किसी कंपनी या फर्म को जारी किया जाता है, कहने का आशय जहाँ एकाकी व्यक्ति को जारी न किया जाकर संयुक्त रूप से किसी कंपनी या फर्म को जो लाइसेंस जारी किया जाएगा उसे हम निगमीय बीमा एजेंट लाइसेंस कहते हैं। और ऐसा लाइसेंसधारी एजेंट अपने लिए बीमा व्यवसाय प्राप्त करने के लिए अपने संचालकों यानी डायरेक्टर्स, पार्टनर्स, साझेदार, प्रशासकों को नियुक्त करता है। इसे हम बीमा निगमीय बीमा एजेंट लाइसेंस कहते हैं। जो एकांकी एजेंट लाइसेंस होकर स्वयं रूप से बीमा फर्म या किसी कंपनी को जारी किया जाता है। तीसरा अगर हम देखें व्यक्ति के आधार वर्गीकरण में, तो संयुक्त या मिश्रित बीमा एजेंट लाइसेंस। तो संयुक्त या बीमा एजेंट लाइसेंस को अलग लाइसेंस नहीं है, बल्कि एक ही एजेंट को जीवन बीमा तथा साधारण बीमा प्राप्त करने के लिए दिए गए दो लाइसेंस। यानी मिश्रित एजेंट जो होता है वह जीवन बीमा का कार्य भी करता है, यानी व्यक्ति के जीवन बीमा भी करता है। और इसी के तहत साधारण बीमा वैसे ही समुद्र बीमा, अग्नि बीमा जो संपत्ति का किया जाता है उनके लिए भी उसको लाइसेंस दिया जाता है। एक तरह से ये वाला एजेंट मिश्रित बीमा एजेंट दोहरी भूमिका निभाता है, इसको दोनों कार्य करने पड़ते हैं। तो इसलिए हम इसे मिश्रित बीमा एजेंट भी कहते हैं। अब ये तो हो गया हमारा व्यक्तियों के आधार पर वर्गीकरण। अब हमारा आता है व्यवसाय के आधार पर वर्गीकरण। तो इसको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। व्यवसाय के आधार पर वर्गीकरण में हम पहला देखते हैं एक व्यवसाय का लाइसेंस। यानी जब भी किसी का बीमा एजेंट को जीवन बीमा व्यवसाय तथा साधारण बीमा व्यवसाय में दोनों में से किसी भी एक ही प्रकार के बीमा करने का लाइसेंस दिया जाएगा तो उसे हम एक व्यवसाय का लाइसेंस कहेंगे। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि वो दोनों बीमा इस वाले लाइसेंस के तहत नहीं कर सकता। वो दोनों में से एक ही प्रकार का बीमा कर पाएगा, या तो साधारण बीमा करेगा या फिर जीवन बीमा कार्य करेगा। तो इसे हम बोलेंगे एक व्यवसाय का लाइसेंस। इसी क्रम में हम अगला बिंदु हम देखते हैं। तो उसका जो अगला प्रकार है व्यवसाय के आधार मिश्रित या संयुक्त लाइसेंस। तो इस प्रकार के एजेंट को ऐसा लाइसेंस जबकि किसी बीमा एजेंट को जीवन बीमा तथा साधारण बीमा दोनों ही व्यवसायों को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करने वाला लाइसेंस प्राप्त होता है तो संयुक्त या मिश्रित लाइसेंस कहलाता है। ऐसी स्थिति में बीमा एजेंट लाइसेंस के लिए आवेदन को दो आवेदन पत्र देने होते हैं, किंतु लाइसेंस में दोनों ही प्रकार की व्यवसाय प्राप्त करने का हक दिया जाता है। तो इस प्रकार मिश्रित या संयुक्त बीमा एजेंट वे लाइसेंस वे कहलाता है जिसके द्वारा व्यवसाय दो प्रकार की व्यवसाय करने का अधिकार उसको दिया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि बीमा एजेंट के लाइसेंस को भी हम व्यक्तियों के आधार पर वर्गीकरण किया और व्यवसाय के आधार पर वर्गीकरण भी किया। तो जो भी एजेंट जिस भी प्रकार के बीमा करने का इच्छुक हो या जिस प्रकार का बीमा व्यवसाय वो प्राप्त करना चाहता हो उसी प्रकार के लाइसेंस प्राप्त करने के लिए उसे आवेदन करना चाहिए। और जब बीमा विनियामक जो नियम बना हुआ है उसके अंतर्गत यदि उसको इस योग्य माना जाता है कि वह इस प्रकार का लाइसेंस लेकर बीमा व्यवसाय कर सकता है तो सारी योग्यताएँ देखने के उपरांत ही उसे इस प्रकार का लाइसेंस जारी किया जाता है। तो जो भी व्यक्ति एजेंट बनना चाहता है तो उसे पहले ये सोचना विचारना चाहिए कि वो किस प्रकार का बीमा व्यवसाय प्राप्त करना चाहता है, जीवन बीमा या साधारण बीमा। तो उस प्रकार से उसको तय करना चाहिए, उसके अनुरूप ही वो बीमा एजेंट के लाइसेंस के लिए उसके आवेदन करना चाहिए। और बीमा एजेंट का जो लाइसेंस दिया जाता है अगर वह उसके लाइसेंस प्राप्त होने के बाद उसको व्यवसाय करना चाहिए, और जैसे ही उसके व्यवसाय के लाइसेंस की अवधि समाप्त होने वाली है उसके पूर्व एक महीना पूर्व से नवीनीकरण के लिए पूरा आवेदन कर देना चाहिए। यदि वो डिले करता है तो उसको अनावश्यक विलंब होता है और लाइसेंस रिन्यू होने में समय लगता है। तो इसलिए मार्जिन समय रखते हुए उसे लाइसेंस के खत्म समाप्त होने से अवधि समाप्त होने से पूर्व भी एक महीना पहले पुनः
पर्सनल के लिए आवेदन कर देना चाहिए। तो इस प्रकार बीमा एजेंट को अपने बारे में किस प्रकार का व्यवसाय करना है विचार करके लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहिए और वह अपने अनुरूप ही लाइसेंस व्यवसाय को चुनकर बीमा एजेंट के लाइसेंस प्राप्त कर सकता है।